हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। ताजमहल के बाद एक और विरासत पर सियासत शुरू हो गई, वो विरासत जो सीधे देश की आजादी के दिन की आवाज बन गई। बात कर रहे हैं लाल किले की, जहां आगामी 15 अगस्त को पीएम मोदी अपने कार्यकाल का आखिरी भाषण देंगे। लेकिन उससे पहले ही लाल किला विवादों में घिर गया जब इसकी देखरेख की जिम्मेदारी डालमिया ग्रुप को सौंप दी गई। आखिर क्या है पूरा विवाद, देखिए रिपोर्ट में। फिर शुरू हुई विरासत पर सियासत, लाल किले पर लाल हुई राजनीति, जैसे तैसे ताजमहल पर हुए विवाद पर विराम लगा तो अगला नंबर लाल किले का आ गया। सरकार के फैसले पर घमासान शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक धरोहर दिल्ली स्थित लाल किले को डालमिया ग्रुप को सौंपे जाने की खबर सोशल मीडिया के साथ साथ सियासी पटल पर भी अचानक तेजी से छा गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी सरकार ने लाल किले को बेच दिया और अब अगली बारी ताजमहल की है। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी दलों और नेताओं ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि सरकार ऐतिहासिक इमारतों को उद्योगपतियों को बेच रही है। इस मामले ने एक नई बहस छेड़ दी। हम जानते हैं, अब हम पहचान लिए कि सीमा क्या है। कल आंध्र राज को दे देंगे किसी को गोद लेने, बिहार को दे देंगे किसी और को गोद लेने। लालू जी को तो जेल में रख दिए ताकि वो अड़ंका नहीं लगाए, और फिर हमारे स्टेट में और क्या बचा है भाई। हमारे हेल्थ प्लान तो वैसे भी दे दिए इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को, तो सबका बंटवारा ताकि प्रधानमंत्री फ्री हो ना, और चार पांच देश बचे हैं जाकर हम जाके घूम सकते हैं। कभी देश में टिकते नहीं, कुछ कहते नहीं, समस्या हल नहीं होती है, अच्छे दिन का सपना दिखा दिए, और ये क्या करेंगे ताकि ये जो देश में बचा है सब दे दीजिए कंपनियों को, उन देखभाल करेंगे, इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको क्या फ़र्क पड़ता। देखिए, ये दुख की बात है कि हमारी सरकार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम अपने धरोहर को, अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को बचाने में असमर्थ हैं। कोई बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं थी उसके रख रखाव के लिए, लेकिन ये सरकार लगातार उसका प्रयास है। निजीकरण की जो इसकी नीति रही है, पहले भी रही है, अटल जी के वक्त में भी हम लोगों ने देखा था, और अब तो मोदी जी ने खुलकर जो बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें एक प्रकार से निजीकरण उसका किया जा रहा है। दरअसल पर्यटन मंत्रालय, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और डालमिया भारत समूह के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत कंपनी को 5 साल के लिए लाल किला और आसपास के पर्यटक क्षेत्र के रखरखाव और विकास की जिम्मेदारी मिल गई। ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव में जनता की भागीदारी बढ़े, इसके लिए पिछले साल पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर एक योजना शुरू की थी, जिसका नाम है एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना। इसके तहत कोई भी भारतीय किसी धरोहर को गोद ले सकता है। कई कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया था और उन्हीं के आधार पर यह फैसला हुआ। जिस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल इस देश में राज किया है, और जब वो इस तरह के बचकाने या CPM या कोई भी पार्टी उठाती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन टूरिज्म एंड कल्चर, जिसके डेरेक अब्रांजी जिसके चेयरमैन हैं, उनकी उपस्थिति के अंदर ये डिस्कस हुआ कि हम मॉन्यूमेंट्स को, सुविधाओं को, सिर्फ मॉन्यूमेंट्स की दीवारों को छूने का, उनके संरक्षण का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता रहेगा, लेकिन उनके आसपास की सुविधाएं, पार्किंग, पार्क, कोई बैटरी ऑपरेटेड कार, वहां का टॉयलेट्स, वहां की पानी पीने की सुविधाएं, अगर जन भागीदारी, ऐसा नहीं भारत सरकार के पास धन की कमी है हम उसका काम नहीं कर सकते, लेकिन एक जन भागीदारी हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जन भागीदारी को हम साथ लेकर चले। और याद करें कांग्रेस कि जन पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके अंदर सभी दलों के लोग होते हैं, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। इस योजना के तहत डालमिया ग्रुप लाल किला को पर्यटकों के बीच और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए काम करेगा, साथ ही उसके सौंदर्यीकरण, रखरखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी। समझौते के तहत ग्रुप को 6 महीने के भीतर लाल किले में जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। इसमें ऐप बेस्ड गाइड, डिजिटल स्क्रीनिंग, फ्री वाईफाई, डिजिटल इंटरैक्टिव कियोस्क, पानी की सुविधा, टेक्सटाइल मैप, टॉयलेट अपग्रेडेशन, रास्तों पर लाइटिंग, बैटरी से चलने वाले व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन, सर्विलांस सिस्टम, कैफेटेरिया शामिल है।
ये बातें भी चर्चा में आई हैं कि 5 साल के लिए डालमिया ग्रुप से 25 करोड़ की डील हुई है। बीजेपी और सरकार इसे गलत बता रही है। कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। आर्थिक लाभ अगर कोई होता भी है तो उस आर्थिक लाभ का पैसा उसी मॉन्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। और उस कमेटी के नोट पढ़े आप, क्या है वो नोट? मुझे अच्छा लगता है कि अगर कांग्रेस के लोग कल कहीं से चर्चा चल की साहब 25 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कहीं नहीं है, ना सरकार उन्हें कुछ देगी ना सरकार किसी से कुछ लेगी, और सबके लिए ओपन है, पूरे देश के लोग। हमारे यहाँ 3686 मॉन्यूमेंट्स हैं। आइए देशवासियों, और मुझे खुशी है देशवासियों ने आगे बढ़कर इसमें, हम क्या ग्रीन बेल्ट अडॉप्ट नहीं करते हैं क्या? पार्किंग वैसा पूरे विश्व भर में। आपको बता दें कि पर्यटन और इतिहास के अलावा भी लाल किले का बड़ा महत्व है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से ही हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाते हैं। हर साल इसे देखने देश भर से और विदेशों से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।